देखिए जो अभी अभी जानकारी जो निकल करके आ रही है उसमें अभी भी जेडीयू ने यह तय नहीं किया है कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन समाप्त कर लेना चाहिए। अभी भी उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ये कहते फिर रहे हैं कि गठबंधन में सब चीज़ ठीक ठाक है, तो अभी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। और अक्कू श्रीवास्तव जो शुरुआत में बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार अपने लिए, अपनी वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए क्या फैसला लेते हैं ये उनको तय करना है, लेकिन हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या वो मुख्यमंत्री, एक विकल्प है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए और अपने किसी को, अपने पार्टी से किसी को उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय दे करके वो राष्ट्रीय राजनीति में आए, एक विकल्प ये है। दूसरा विकल्प है कि वो मुख्यमंत्री स्वयं रहें और जो है वो तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाए, गृह मंत्रालय दें, और क्या ऐसे में वो फिर से आरजेडी के उन्हीं दबावों को सहने के लिए तैयार हैं? चलिए चलिए, क्या रिएक्शन नहीं होगा संगीत जी? ये ऑप्शन तो ऑब्वियसली नंबर्स के हिसाब से काफी मीटिंग। अच्छा, गो अहेड गो अहेड सर, कंप्लीट प्लीज। ओके, गो अहेड। ऐसे में क्या ऐसा नहीं होगा कि जो उनकी छवि एक खराब हुई है बिहार की राजनीति में, आप किसी से पूछ लें, ये मेरे कहने की बात नहीं है, नीतीश कुमार की छवि खत्म नहीं होने वाली है। रागी जी, लेकिन अगर नीतीश की कुछ कड़ी शर्तें और पहले भी रखी उन्होंने, तो बीजेपी के जो नेता है वो भी तो घुट रहे हैं। अगर बीजेपी फिर झुकती है तो वो एक विस्फोट की स्थिति तो बीजेपी के घर के अंदर भी पैदा होगी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यदि आप जेडीयू के विधायकों से ही आप बात करें, आप पटना में जाकर के, तो कहेंगे कि जो पिछला चुनाव हमने, चाहे वो संसदीय चुनाव जीता हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव जीता हो, वो हम नरेंद्र मोदी के कारण जीते हैं। ऐसे बहुत सारे विधायक मिलेंगे जो ये कहते फिरेंगे कि हमने नीतीश कुमार के तस्वीरें हटा दी थी और हमने नरेंद्र मोदी के फोटो चिपका करके। श्रीवास्तव जी, लेकिन नीतीश को साथ रखने के लिए बीजेपी कितनी सारी शर्तों को मान सकती है? वो जो एक कहते हैं ना कि लिमिट क्या है इस गठबंधन को चलाने की? देखिए, जो शर्तें आपने गिनाई हैं, पांच शर्तें, उसमें से एक आध शर्त तो भला मानी जा सकती हो, लेकिन अगर शर्त ये नीतीश कुमार रखने लगे कि अब जी रोकेंगे आपको इस वक्त। रुपेश वहां पर बात कर रहे हैं, बिहार के तमाम सियासतदान इस वक्त वहां जा पहुंच रहे हैं, उनसे बात कर। रुपेश, चर्चा तो सबकी बैठक हो रही है, तो आरजेडी के साथ जा रहे हैं, आपकी क्या राय होगी? अंदर कहा कि इस पर अभी कोई बैठक नहीं हुई है, आके इस पर आरसीपी साहब के हटने के बाद पार्टी की जो परिस्थितियां, उस पर बैठक बुलाई। आरसीपी सिंह के हटने के बाद जो परिस्थितियां उस पर, रुपेश इस वक्त हमारे साथ हैं। जिस तरह से लगातार अब बयान आने शुरू हो गए हैं, कह रहे हैं कि कोई बातचीत हुई नहीं है, केवल आरसीपी के बाद में जिस तरह से पार्टी की स्थिति है उसको लेकर है, लेकिन अंदर की बात क्या है? केवल आरसीपी सिंह के जाने के बाद में क्या परिस्थिति है उसको लेकर मीटिंग बुलाना? तो ऐसे में हमें कांग्रेस, लेफ्ट और बाकी लीडर्स एक जगह पर नहीं दिखाई देते? रुपेश, आपको आवाज आ रही है? सवाल क्या मुझसे है रवि? बिल्कुल रुपेश, आप सवाल का जवाब दें। रुपेश, आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जो बयान अब आ रहे हैं वो कह रहे हैं, पूरी तरह से नकार रहे हैं कि सरकार की परिस्थितियों को लेकर कोई मीटिंग नहीं है। आरसीपी सिंह के बाद की पार्टी की स्थिति को लेकर मीटिंग है, लेकिन अंदर की बात क्या है? क्योंकि आरसीपी सिंह की जाने के बाद को लेकर फिर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज वहां क्यों मिल रही है? देखिए, जब तक नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला नहीं लेते हैं, तब तक जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार इज जेडीयू, जेडीयू इज नीतीश कुमार। ऐसे में कोई विधायक ये कह दे कि वो बैठक का एजेंडा क्या है, क्यों बुलाई गई है, क्योंकि संसदीय दल की बैठक है, यानी कि तमाम सांसदों को भी बुलाया गया है। संसदीय दल के जो नेता हैं वो कहते हैं नीतीश कुमार से पूछिए, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो कहते हैं नीतीश कुमार से पूछिए, कांग्रेस के विधायक दल की बैठक CLP अजीत शर्मा के आवास पर बैठक होती है, वो कहते हैं कि हम तिरंगा यात्रा के लिए बैठक करते हैं, लेकिन बाहर निकल के वो कहते हैं नीतीश कुमार को समर्थन देने का फैसला है। ऐसा लग रहा है कि बार्गेन काफी ज्यादा होगा पार्टियों के बीच में और इसीलिए वो खुलकर नहीं सामने आना चाहते। आनंद माझी, एक क्विक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा, सरकार बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, आपका क्या रोल होगा उसमें? जो कोई भी
सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ आएगा, फासिस्टवादी ताकतों के खिलाफ आएगा, कांग्रेस उसके साथ है। और बिहार के जो परिस्थितियां रहा, हम लोगों ने ये भी देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलाई को एक डोरमैट के रूप में हमेशा से प्रयोग किया है, और जिसके कारण सबके सब कोई सीएम कोई डिप्टी सीएम कोई भी बने के लिए बुलाया गया है। हम लोग जनगणना के लिए जा रहे हैं, जनगणना के लिए जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से अलग अलग राय है रुपेश, लेकिन सवाल यहाँ पर जेडीयू के एक मंत्री रुपेश वो तो अपने अपने यहाँ पर बहाने बता रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए आरजेडी नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जेडीयू नेता उस तरह से खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, क्या नेगोशिएशन टेबल पर इनकी पोजीशन सबसे वीक है इसलिए माने, या अभी कोई संभावना रुपेश बीजेपी और जेडीयू के बीच बात बनने की है, या आप सब कुछ खत्म हो चुका है? देखिए जब पहला दिन जब तो ये वाकया शुरू हुआ था, जब ये चर्चाएं आनी शुरू हुई, तब वाकई लगा कि केंद्र में मंत्रिमंडल में दो से ज़्यादा स्थान पाने की यह कवायद है, जैसा नीतीश कुमार अक्सर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये मानकर बैठे हुए हैं कि गठबंधन टूट चुका है, और ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, कम से कम 5 मंत्रियों और 10 विधायकों से कल पूरे दिन वार्तालाप हुई है, और वो ऑफ द रिकॉर्ड ये मानकर बैठे हैं कि गठबंधन चुका है। अब नीतीश किसके साथ जाते हैं तो और उसके बाद की भाजपा का इंतजार कर रही है रुपेश, ये अलग मामला है। किस बात का इंतजार कर रही है, नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने का ऐलान करें और फिर बीजेपी आगे रिएक्ट करेगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि एनडीए का गठबंधन टूट चुका है, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। अब अंदर आज जो नीतीश कुमार अपने तमाम सांसदों को, तमाम विधायकों को उन्होंने जो बुलाया है, और जो भी वार्तालाप होनी है, कल तेजस्वी यादव 1.5 से 2 घंटे बगैर एस्कॉर्ट के सिंगल गाड़ी के साथ बाहर निकले थे, और ये भी चर्चा है कि उनकी मुलाकात लेकिन अभी तो बड़े नेताओं के साथ हुई है, और ये जो बार्गेनिंग होनी इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार ऑफिशियली अनाउंस करें, और आरजेडी भी इंतजार कर रही है, क्योंकि दोनों को लगता है कि आखिरी वक्त में पता नहीं नीतीश कुमार किस तरफ पलट जाएं, उनका स्टैंड क्या हो। बहरहाल देखिए एक बयान भी आया इस बीच। जी रुपेश जी, आज क्या गठबंधन में रहेंगे कि फिर गठबंधन टूटेगा? सर ये तो हम लोग बैठक कर रहे हैं, बैठक में लोगों को से जानेंगे, और निश्चित रूप से आप कैसे नहीं सोच पा रहे हैं, आप आरसीपी सिंह जी को लेटर भेज सकते हैं, और आप एनडीए से बाहर आएंगे कि नहीं ये आपको पता ही नहीं है? अरे आप थोड़ा इंतजार, आरसीपी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने शो कॉज किया, और ये कैसे आपको पता नहीं है कि एजेंडा क्या है? एजेंडा हम लोग तय करेंगे ना, एजेंडा तय करेंगे। ये जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि अंदर हम लोग एजेंडा तय करेंगे। देखिए इस वक्त एक और बयान हम बता दें दर्शकों को, बिहार में सियासी उठापटक की खबरों के बीच वीआईपी के मुकेश सैनी का बयान, बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ, बीजेपी दहशत बना रही है, नीतीश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, मुकेश सैनी का यह बयान।